फ्रेंड्स, मेरा नाम है कल्पेश गर्ग और अपने इस वीडियो में आप सभी का मैं वेलकम करता हूँ। दोस्तों, सीटेट 2018 के एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गया है। सीटेट की वेबसाइट पर जाने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, www.ctet.nic.in। इस लिंक पर क्लिक करेंगे, आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे और यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में डाउनलोड एडमिट कार्ड, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों, आपके सामने इस तरह के दो ऑप्शन आएंगे, यहाँ पर डाउनलोड एडमिट कार्ड थ्रू एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड, और दूसरा ऑप्शन है डाउनलोड एडमिट कार्ड थ्रू एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ। मतलब एक तो आप अपना एप्लीकेशन नंबर और उसके साथ अपना पासवर्ड डाल के एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपना एप्लीकेशन नंबर डालें और अपनी जन्म तारीख डालें। तो दो ऑप्शन आपके पास हैं। तो चलिए पहला जो एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड है उसके ऊपर क्लिक करके देखते हैं कि उसके अंदर हमें कैसे क्या करना है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पे ऊपर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, नीचे पासवर्ड डालना है, और उसके बाद ये नीचे जो कैप्चा दिखाई दे रहा है 91151 के, ये कैप्चा यहाँ पर एंटर सिक्योरिटी पिन की जगह डालना है और इसको सबमिट करना है। दूसरा वाला ऑप्शन है डाउनलोड एडमिट कार्ड थ्रू एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, यहाँ से जन्म तारीख अपनी सिलेक्ट करनी है, उसके बाद ये नीचे जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है उसको एंटर सिक्योरिटी पिन ये जो लिखा है वहाँ पे डालना है और यहाँ से सबमिट कर देना है। तो दोस्तों, ये दो तरीके हैं आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के। अगर आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप ज़रूर से कमेंट करें, उसका जो सॉल्यूशन है वो मैं अपने इस वीडियो में बता दूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और शेयर करें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की एजुकेशन की न्यूज़ सबसे पहले अपने चैनल पर मैं डालता रहता हूँ। तो आज तक के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।